बात की जाए मौसम की तो फैसलाबाद, झंझ, सरगोधा, चिन्योर, जड़ावाला, तानियावाला और रेजेंट के दीगर इलाकों में शदीद आंधी के साथ बारिश की तबाही मचा दी। तूफान से मुतअद्दिद पोल्स गिरकर टूट गए। लाइनों पर दरख गिरने से वसी इलाके में बिजली की सप्लाई मुतासर हुई। 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मजीद सारी सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं बीएचयू फैसलाबाद वकास स्टाफ से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद, झंझ, सरगोधा, चिन्योर, जड़ावाला, तानियावाला रीजन के दीगर इलाकों में शदीद आंधी तूफान से मुतअद्दिद पोल्स गिरकर टूट गए। लाइनों में दरख्त गिरने से वसी इलाके में बिजली की सप्लाई मुतासर हो गई है। 150 से ज्यादा जो है फीडर ट्रिप कर गए हैं। तूफान थमते ही बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा, फैसको कम का ये कहना है। फैसको चीफ इंजीनियर बशीर अहमद कंट्रोल रूम में मौजूद और बहाली के कामों की निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन स्टाफ फील्ड में मसरूफ है। फैसको काम का ये कहना है, स्टाफ को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके काम करने की हिदायत जारी की गई है। आगामी और नागरिक हालात की वजह से बिजली सप्लाई से में मुतातल प्रशासन से मुआवजा खा है। तजमा फैसको का ये कहना था कि मुकम्मल कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द जो है बिजली की तरसील को मुकम्मल बनाया जाएगा और जिन इलाकों में फीडर ट्रिप हुए हैं वहाँ पर बिजली की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द वहाँ पर बिजली बहाल कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात देते हैं। आगे बढ़े, आपका क्या